का हूँ, तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, टिपकल गांव से बिलोंग करता हूँ। मतलब लाइक हिंदी तो हम स्कूल में पढ़ते थे, बोलते थे, छत्तीसगढ़ ही वो है, बोली है, लैंग्वेज भी नहीं कह सकते थे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एक ऐसे टैलेंट के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि बॉलीवुड फिल्में और बहुत से सीरियल में काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जिस टैलेंट के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत से फिल्में की हैं, जिसमें रानी मुखर्जी के साथ मर्दानी और अक्षय कुमार जी के साथ फैमिली और मल्लिका शेरावत के साथ इस जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूं टेलीविज़न सीरियल की, तो अभी हाल ही में एक सीरियल आया था जिसका नाम था मैं आई कम इन मैम। उसमें उन्होंने साजन अग्रवाल के साथ उनके दोस्त का किरदार निभाया था जिसमें उनका नाम था खिलौनी। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे मैं किस टैलेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उस टैलेंटेड एक्टर का नाम है साहेबदास मानिकपुरी जी। तो दोस्तों, साहेबदास मानिकपुरी जी का जन्म छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में हुआ है और बचपन से उनके अंदर अभिनेता बनने की ललक थी। इसी ललक को पूरा करने सन 2000 में साहेब जी मुंबई पहुँचे और वहाँ उन्होंने 7 साल मुंबई थिएटर हाउस में काम किया और साथ ही एक्टिंग करने के लिए ऑडिशन देते रहें और उसी बीच उन्हें काम मिलना भी चालू हो गया, जिसमें से कुछ और सीरियल के बारे में बताना चाहूँगा तो कुछ इस प्रकार हैं, तोता वेट्स मैना, FIR, भाभी जी घर पर हैं, मैं आई कम इन मैडम। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी बहुत से फिल्में की जिसमें से फंस गए रे ओबामा, मर्दानी, जयंत भाई की लव स्टोरी, रवैया वस्तावैया और इस जैसे फिल्मों में उन्होंने काम किया है। यहाँ तक उन्होंने बहुत से विज्ञापन भी किए हैं जिनमें से चाहे वो स्वच्छता अभियान पर हो या आधार कार्ड पर हो, चाहे शिशु आहार पर ही क्यों ना हो, उन्होंने बहुत से ऐसे विज्ञापन भी किए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा, ये रहे छत्तीसगढ़ के टैलेंटेड एक्टर के बारे में जिनका नाम था साहेबदास मानिकपुरी जी। तो आप लोगों को उनका ये बायोग्राफी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।